भाई मैं तो कसम खा दिया कि मेरे अपना चैनल चलाना तो चलाना जा, कुछ भी करना पड़ेगा है ना, गलत नहीं करूँगी, अच्छा अच्छा करूँगी, बातें करूँगी आपके साथ है ना, बातें करते करते अपना चैनल मोनेटाइज कराऊंगी, आप ही कराओ है ना। जो भी मुआरी तू मुआरी गोयल गोयल अभी जो भी बांध रहे जीव कैसे कौन मेरे काम बाधा। तो सबसे पहले तो यार पहाड़े बोलने थे मेरे बोले देने, तो सब तो गढ़ता नहाए धो जो उसके त्योबैतित के बाद किचन का काम कर बे और इतका काम कर भी नुआ बे धुआं बे जो रे को भी लाना तो लाना है और ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। तो तब तक मेरा ब्लॉग्स की ना करना, एंडिंग तक देखना और मेरा हाल देखना, कहाँ है रोनी अरे जिंदू क्या हाल कर दिया मेरा, की करता तुझी मेरे नाल गंदा बच्चा। चलो जुतों दूरों कि तू की जिंदगी है जिंदगी एक सफर है सुहाना, जोरावर तू भी टीवी देख दो नेर रो, टीवी देखता रहता बंदर जहा। अरे जिंदू तू अपने पापा पास बैठ जो इतने, पापा उठे नहीं अभी, जिंदू उठ भी गया, जोरावर जोरावर मेरा फोन फड़ियो पुत, एड्डा फड़ियो मैं बेटा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं ना वीडियो पाऊंगी ठीक, ऐसे 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 ओरिजिनल ना बेटा सब अच्छा लगता है। टीवी देखना, टीवी देखना फिर जिंदू को कहाँ बिठाऊँ मैं, ये पापा बाबू बाल तो सब दो गढ़ तो आए थे किचन, देखो कहा कर रहा मुँह फिर है, तो तू भी देखो हाई के तू देखो, तो मेरे ब्लॉगर ही बने रहना ठीक है, और नाले मैं अच्छे अच्छे कमेंट करना ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो मेरे बेटे मुँह ना पहाड़ी बोल दी भाई सुन लो ना कि भाई कह लो माए कह लो, बोले फिर पता है कहा बोला मम्मा तुझ तो पंजाबी हो, पंजाबी का दिले बोलते हिंदी का दिले बोलते, पर सच जो भी है ना काम बहुत होता है भी औरतों के पास, लोगों को लगता है कि भाई मतलब लोगों को तो क्या लगना था, मर्दों को लगता है कि भाई काम ही नहीं होता। वैसे मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे कुछ भी नहीं बोलता, मतलब बोलते बहुत अच्छे हैं बेचारे, बहुत हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। कल मैंने जो वीडियो अपलोड करी ना पहाड़ी भी मौजूद वीडियो बनाए रहे थे भी आड़ो, तो मोए मतलब ऐसे ही ऐसे के ही रहते मैं बनाए, मतलब दे देखू थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ पहाड़ी में, तो इन्होंने क्या हुआ तो फ्रेंड्स मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंद कौर खेल लिए है और साथ में ये दो बच्चे हैं जो कि गुरुद्वारा से आए हैं। अरे मैं तो भूल गई, मैं तो पहाड़ी में ब्लॉगिंग कर रही थी, तो ये जेजू ऐसा है ना गुरुद्वारे के इंतजार हो पापा जी की, जो मेरे ससुर जी है ना उनकी रोटी लेने आ रहे हैं, तो अभी मैंने बनानी है अब, और तब तक थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है क्योंकि हम सुहागन है ना,
सुहागन ही रहने चाहिए, वाहेगुरु हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी काम है। और उसके बाद मैंने जोत भी जलानी है, और ये ओरिजिनल है ये, साथ में मैं शूट भी कर रही हूँ, बिल्कुल एडिटिंग नहीं करूँगी मैं, ऐसे एज इट इज़ डाल दूँगी, क्योंकि यार फिर भूल जाती हूँ कि क्योंकि ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है डुप्लीकेट से। तो मैं हाथ धो लेती हूँ थोड़े से, हाथ धो पूँ और उसके बाद मैं अपने जोत जला लूँ ना। जिंदू खेल लो बेटा। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू झूड़ू सब लगा दिया है, और आप वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। देखे बेटा कौन आया है, दूध अभी मंगा रहे, जोत पिन चला देते मुझे आराम से, शाम को लेके आना बेटा। वाहेगुरु वाहेगुरु हे परमात्मा, सबको सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, और सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, और मेरे घर पे भी मेरे परिवार पे सब एक होके काम करें, एक होके रहे। वाहेगुरु परमात्मा यही आपसे विनती है। तुम वो आगे ना जो कैमरा है ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं आपसे बातें ही कर लूँ, है ना। ऐसे बंद कैमरा बंद करके, वैसे खाना तो बनाना ही, खाना तो मैं हाथों से बना रही हूँ, कोई मुंह से थोड़ी बना रही हूँ, तो मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी साथ के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा चैनल चल जाएगा? पहले तो ये बताओ कि सिंपल लुक कैसी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना? सिंपल बाना, सादा बाना सबको ही पसंद आता है, तो देखो सिंपल चीज़ों अच्छी लागो। पर कई बार मन होता है ना कि भाई मैंने कुछ अलग करना था, तो कोई बात नहीं, कभी कभी कर सकते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी है कि नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा धनी के जो हाँ कि भाई जब बाहर जाओ, जैसे घर से आप घूमते जाते लायक होती भी, तो अपना अवतार चेंज कर लो, है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि एक मतलब ऐसे रहना भाई, मेरे को तो बहुत अच्छे पति मिले, वाहेगुरु की देन है सच्ची, मुझे बहुत बजाय बढ़िया इंसान मिल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ ना। मेरे को ना कल्याण मुख बोल दे, पता है मेरे दो बच्चे हैं ना, तो कई बार ऐसे हों मेरे झाड़ू पोछा देने लगता, खाना ही पड़ना मेरे, मतलब काम इतना इकट्ठा है ना, तो कभी मुखे शहन बोलते कि भाई तू आ कर वो कर ये कर, बस जो मैं मर्जी की मालकिन हूँ मैं, जैसे मेरे चल रहा है वैसे चलने दो, है ना। कई बार हूँ है ना गुस्सी के बजाय खड़ूस हस्बैंड हूँ, तो बहुत प्यारे हैं। बियालमो वीडियो पा रहे थे ना पार्टी की, तो इन्हें मुख जो रहे बोल बोले बोल बोले कि चल पा 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 कुछ नहीं होता, डाल 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 कुछ नहीं होता, डाल दे तू डाल दे तू, है ना। क्योंकि सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, है ना। गलत तो सबसे दिखता है, गलत गलत है ना, अभी डालते रहो पोस्ट अपनी, है ना, सबको करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। और ये मैंने हल्दी पहले भी ऐड करी है, थोड़ी और कर देती हूँ, है ना।
गणी हजो गणी नून तो सबा काम डन और तब हजो मेरे हजो काम हो वाहे गुरु खाना बना तेर वाहेगुरु का नाम भगवान का नाम है ना सत्य नाम श्री वाहे गुरु सत्य नाम श्री वाहे गुरु मिट जाएंगे जिस्म तो पर आत्मा अमर है जिदे अंग संग प्रभु है ओलो फिर किस डर है सत्य नाम श्री वाहे गुरु 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 यही नाम है सहारा यही नाम है आधारा सत्य नाम श्री वाहे गुरु सत्य नाम श्री वाहे गुरु दाल तो बन गए अब आई नहीं देखू दे सब सीख जाते हैं सब सब कुछ सीखना पड़ो सब कुछ और जिन्नी किसी ना तो सब सीख जा जब जिम्मेदारियां पड़ो ना मुंडो तो सब हो जाता है ना तो यहाँ पे मैं फटाफट इतने रोटी बनाऊँ और फिर भेजू पापा जी को भूख लग रहा है ना टाइम भी काफ़ी हो गया और मेरा हस्बैंड आए नहीं रही अब आज ना कुछ काम है उनको ना तो आंधे खोले सेवे खा ले और खा ले रोटी है ना पर मेरे मुख्य सबसे ज़्यादा चिंता मेरे बेटी की हम बेचारे मेरे बेटे के लिए है बोटे को रहे और जो बड़ो बेटा देख दो भाई ये भी अभी छोटा ही है ना इसको भी अभी इतनी समझ है नहीं तो बना देती हूँ फटाफट रोटियाँ और उसके बाद मैं अपने जिंदगी को देखूँगा अपनी बेटी की बहुत प्यारी होती है बेटियाँ बेटी बेटा हो चाहे बेटी हो बच्चे तो प्यारे ही होते हैं तो लेकिन बेटियों के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना क्योंकि पता होता है ना बेटियाँ तो पराया धन है तो इसलिए जब भी इसको देखती हूँ ना ऐसे लगती हूँ कि लगता है कि भाई जदूस बाल चलो मुँह देने पड़ रहे हैं ना कैसे ये थोड़ी चोरी करने के बाद भी की भेजने पड़ो दी है ना तो चलो ये तो जिंदगी का दुनिया का दस्तूर है ना हम भी तो आ रखे हैं तब तो भी ऐसे ही करो ना तो तुम जरूर दस्यो कि मेरा जो ब्लॉग है इस तरीके नाल बनता है जड़ा उस चंगा लगता है या कि नहीं लगता और भाई लोग इन्ने इन्ने पैसे कमाए जाते भाई असं कद पिछे रहे भाई है ना लोग भी तो गल्ला ही करते कोई थोड़ी ना कुछ और काम करते अजकल रेसिप एक से एक हारे पा रहे स्टिचिंग एक से एक तो असं की करे अस तो बोल ही सकते है ना और बाहर मेरे बेटा और ना इतना हल्ला कर रहे हैं ना क्या बता मैं आपको शायद आवाज़ आ रही होगी मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी क्योंकि फ़ोन थोड़ा डिस्टेंस तो रखना पड़ता है ना क्योंकि नज़दीक भी नहीं रख सकते यहाँ पे जो है गैस स्टोव भी चला हुआ है तो एक बार मैं अपनी बेटी को देख लेती हूँ भाई जब तक मेरी बेटी चलने नहीं लग जाएगी ना तब तक ना यही प्रॉब्लम रहेगी मेरे साथ मैं क्या करूँ मैं किस तरह हैंडल करूँ समझ नहीं आता है ना और मैं सोचती हूँ मैं अपने बेटी के पास ही रहूँ बस मैं इधर उधर बिल्कुल ना जाऊँ पर काम तो करने पड़ते हैं है ना चलो कोई बात नहीं फिर क्या हुआ निकल जाएगा ये भी वक्त है ना कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रगल
आप मुझे कमेंट करके, यार फिर पंजाबी हिंदी आ जाती है, तो तू है ना मुखे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई तू को कैसे देख लो मेरे मेरी वीडियो है ना, कौन सी जगह है, कुके हैं, के रहने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार, कुछ नहीं जानता है ना। हे गुरु वाहे गुरु सतगुरु ना यार, सतगुरु नानक परगटिया मुकुंद जग जानन सतगुरु नानक परगटिया मिटी कुंद जग जानन होया ज्यों कल सूरज निकलया तारे छुपे अंधेर पन तो मैं इतने दो रोटी ना तोड़ दी बारीक बारीक और अपने ससुर जी के लिए भेज दूंगी दाल के साथ, चूर के खाते हैं मेरे ससुर जी क्योंकि वो बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग है हमें ऐसे सबके बुजुर्ग खाए शायद चोरियो है ना हमारे खा थी, समझना पड़ता है ना, तो जितनी भी बहुएं हैं भाई सारे हम ख्याल रखते हैं अपने ससुर जी का, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी, बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है, कभी मिलाऊंगी अगर वक्त आया तो ज़रूर मिलाएंगे, लेकिन मिलाऊंगी जब सारे इकट्ठे होंगे ना तब, तो यहाँ पे मैंने चूर ली है और एक रोटियाँ हो जा पाए तो मैंने देना है ना कि तू की खानदान में शोर है तो खाए दे ले देना। बस ये मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी खत्म हो जाएगी किचन की, उसके बाद तो मैं क्या करना पड़ेगा, काम तो बहुत होते हैं भाई, काम थोड़ी ख़त्म होते हैं, कपड़े लेते भी तो बाथरूम में भी तो देखना पड़ लो घुटनों घुटनों को, तो ये देखो ये गई इसके अंदर, ये ऐसे ही खूब सारी दाल डाल देती हूँ बीच में जो कि ये, और मिर्च मुर्च मतलब निकालियो छाटे नाम ये इसके अंदर। तेरे सेवक को हो गया बंद और अब है की भी बारी, चा कम दूध इसमें जाएगी, शक्कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, ये ऐसे करके और ऐसे करके, थोड़ा मैं टेस्ट कर लेती हूँ ना, ऐसे ही करते हैं ना यहाँ पे तो है ना जो जूठा बनाते हैं, पर मैं जूठा नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे करूँगी, थोड़ा कम मैं थोड़ी और शक्कर डाल देती हूँ क्योंकि कितू की ज़्यादा और सोना चाय दे, और थोड़ा इसको होट गरम करने के लिए, और तब तक मैं इसको धो लेती हूँ, ये इंद में भी आड़ो दे रहा था ना चाय पे, धोती हूँ चाय, वाह तो मैं इसको भर के दे दूँगी दो तीन बार के लिए हो जाएगी ना है ना, इसको भर के दे देते हैं। हाँ जी बेटा ये तो बस थोड़ा सा बस हो गया मेरा काम, उसके बाद मैं आपके साथ ही खेल लूँगा। एक आपसे बात शेयर करूं, तो शादी से पहले और शादी के बाद मतलब लड़की चेंज क्यों हो जाती है ना, सबका ही ये क्वेश्चन होता है कि चेंज होगी है ना, तो जब हम अपने माँ पापा के घर होते हैं ना तो हमें किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती है ना, अगर रोके टोके भी तो हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं मैं तो करूँगी, नहीं मैं करूँगी है ना, लेकिन जब आप ससुराल आ जाते हो ना तो आपको हर चीज़
देखनी पड़ती है कि किस क्या सिचुएशन है, कौन मतलब हमें कौन जज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें हमारे साथ जो है ना हमारे पति परमेश्वर की इज्जत भी जुड़ी हो, तो सब कुछ होता है यार, है ना। अगर हम इतने समझदार सियाणे हो जाते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ हिसाब से। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती कि अगला बंदा तो रूडो है ना, और मेरा स्वभाव है चुलबुला, है ना, तो हम चुलबुले थोड़ी ना रह सकते हैं, वहाँ तो रूड सा रहना पड़ेगा ना थोड़ा। तो डिपेंड करता है कि अगला बंदा कैसा है ना। और दूसरी बात ये कि जब बच्चे हो जाते हैं ना, जिंद मेरी बेटी रो रही है ना, मैं बाद में बात करूँगी। औरत की लाइफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो अगला बंदा रूड होगा तो वहाँ पे हम चुलबुले तो नहीं रह सकते। दूसरी बात, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हमें थोड़ा मतलब लाइक अब बाल तो बांधने पड़ेंगे ना, है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा कि गुल्ले बालों से हम हीरोइन बन के अपने बच्चों को। पर यार बात वो नहीं होती, अगर आपके पीछे सपोर्ट है ना, फिर भी आप सारा कुछ कर मैनेज करके रख। जब आपके पास कोई है नहीं ना, तो फिर तो ये हाल होते हैं जो मेरे। इसीलिए ठीक है, इसकी सीख ये है कि अगर आपके घर में सासू माँ है या फिर फैमिली मेम्बर है, तो उनके साथ अच्छे से रहें। मतलब ये ना सोचा करो कि ये गलत है वो गलत है। जिस दिन मुसीबत आती है ना, तो ही परिवार आपका साथ देता है ना। लेकिन कई बार हो जाता है, परिवार में हो जाती है, हजार बातें होती है, लेकिन क्या बोल सकते हैं भाई। पर यह है कि बस अपना थोड़ा हम तो अच्छे से रहते हैं भाई, ना हमारे दिल में किसी के लिए वो है। लेकिन हाँ, अगर कोई हमें तंग करेगा ना बार 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 बार, तो फिर वो बंदा ना हमारे नज़रों से गिर जाता है, और हम जो हम चुलबुलापन है, जो हम हंसी मजाक है, हम उस बंदे के साथ कभी भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे साथ कोई अच्छा रहेगा तो हम उसके साथ उससे भी अच्छा बिहेव करेंगे, है ना। तो ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी चाय, और चलते हैं करते हैं भोजन। तो सब ने खाना खा लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया है, और मेरा बच्चा छोटे वाला सो गया है, बड़े वाला खेल रहा है। अब मेरी बारी है, तो मैं सिंपल तरीके से इस तरीके से ही सर्व करती हूँ अपने लिए, और साथ में ले लूँगी थोड़ी चाय, और उसके बाद खाती हूँ खाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।